तो बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव पर इस वक्त हमारी चर्चा आ चुकी है, बहस आ चुकी है, जिसमें हम सीधा सीधा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश की सरकार ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को अपने राज्य में पूरी तरीके से कहे तब तक वो नहीं कर सकते जब तक की परमिशन नहीं मिलती है, बैन कर दिया है। तो ऐसे में क्या संघीय ढांचे पर यह प्रहार नहीं है? इसी पर हम तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। शांतनु सेन जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात ब्रेक से पहले कही थी। सर, मुझे एक बात ही बताइए, क्या कहें कि दरअसल जो भूमिका सीबीआई की रही है उसी को समझने में कंफ्यूजन रहा, तभी आग भी नहीं बन पाया, कैसे वॉकिंग होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए था उसको लेकर क्लैरिटी नहीं हो पाई, और इसी का एक तरीके से कहें कि फायदा और नुकसान दोनों देखने को मिल रहा है? देखिए, सीबीआई एक्ट बनना चाहिए था। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो बनी जी, वो सिर्फ दिल्ली तक ही है, दिल्ली में कोई परमिशन नहीं चाहिए। और आपको अगर सीबीआई की इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री पता हो तो आपको पता लगेगा कि 1941 में जब ये बनी थी, ये भ्रष्टाचार बंद करने के लिए नहीं बनी थी, ये सिर्फ अंग्रेजों को ये जब झटका लगा कि उनके वॉर एफर्ट्स में चोरी धांधलीबाजी हो रही है और वॉर एफर्ट्स को धक्का मिल रहा है, तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट अंडर द वॉर डिपार्टमेंट बनाया। बिल्कुल। और ये सिर्फ जो सप्लाईज वॉर में होती थी उसको रोकने के लिए बनाया था। उनको भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं था, वो भ्रष्टाचार के लिए कोई लॉ नहीं बनाए थे। फर्स्ट लॉ जो बनी वो 1946 में बनी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और आज 2018 में दूसरी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। और सारे सरकार जो आए वो सीबीआई एक्ट नहीं बना पाए क्योंकि शायद स्टेट्स ने इसको मंजूरी नहीं दी। स्टेट समझती है कि इन्वेस्टिगेशन का पावर अंडर लॉ एंड ऑर्डर उनका है और वही करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्रीटी सुरेंद्र राजपूत जी सुन रहे होंगे आप, सर मैं आ रही हूँ। शांतनु सेन जी का आपने एक तरीके से बड़े महत्वपूर्ण पहलू उन्होंने रखे हैं कि इसमें राज्यों की भी एक भूमिका होनी चाहिए थी, जो हो नहीं पाई क्योंकि वो चाहती थी कि इन्वेस्टिगेशन हमारे दायरे में रहकर ही हो। क्या यही एक वजह है कि सीबीआई को बैन कर रहे हैं? देखिए, बैन फिर से मैं बताऊं कि बैन शब्द नहीं, मैं शांतनु गुप्ता जी ने जो बात कही मैंने भी आज पढ़ा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी भी राज्य सरकार में कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, ये मैंने पढ़ा है, पता नहीं कितना सच है, ये शांतनु जी बताएंगे। दो बातें मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं कि राज्य जो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका और हमारा संविधान भी कह चुका है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, अगर किसी स्पेशल एक्ट को बनना है तो केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, राज्यों से वो करके आप एक्ट बनाइए। अब मैं यहां पर सीबीआई के दुरुपयोग की आपको तीन बातें बता देता हूं। शंकर सिंह बघेला जब हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष थे गुजरात में, सीबीआई का छापा उनके घर पड़ता है, आज वो भाजपा ज्वाइन कर लेते, छापा बंद। ये नारदा सारदा के भी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, मुकुल राय नारदा सारदा दोनों में जेल में थे जब तक वो टीएमसी में थे, लेकिन जैसे मुकुल राय भाजपा ज्वाइन कर लिए वैसे वो गंगा जी के बारे में पूछा, नारदा सारदा बंद हो गया। आप में आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप 40,000 करोड़ के जो बेटा माँ बेटे जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी लोग चोर है, 40,000 करोड़ का चोरी जिन्होंने की है, जिनका खानदान चोर है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। जनता का पैसा खा रहे, कल ही परसों ही देखिए, अरे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी को चोर कह रहे हैं, 40,000 करोड़ की चोरी करके जो जमानत पे बाहर हो वो व्यक्ति आज चोर मचा रहा है। चोर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तो डीएनए के अंदर आज भ्रष्टाचार है, आप कुछ शर्मा नहीं सकते, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको दिक्कत क्या हो रही है, इनको डर है कि राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का एक मुद्दा आप डिस्कस कर रहे हैं, आप पर्सनल लांछन लगाते रहे, पॉलिटिकल डिबेट कहीं होगी। मैं शांतनु जी ने एक दो बातें बहुत और अच्छी कही, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकारों ने फैसला नहीं किया सीबीआई एक्ट बनाने का। ठीक है, मैं ये मेरे से, वो तो बहुत ही सीनियर है, बहुत वरिष्ठ है, मैं भी 2-3 दशक से या 4 दशक से पत्रकारिता में हूं, 3 दशक से यहां दिल्ली में भी देख रहा हूं, मैंने कहीं कोई मूवमेंट किसी कांग्रेस से लेके और नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, भारतीय जनता पार्टी सरकारों में
कभी कोई मोमेंट नहीं सुनी कि सीबीआई एक्ट बनाने के लिए कोई बिल आ रहा है, ना ही ये कोई मोमेंट सुनी कि राज्य सरकारें कहीं अपोज कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, करती हैं वो जब उनको कहीं महसूस होता है। तो होता क्या है कि ये परिस्थिति जो आज की है सीबीआई का स्टेटस, ये राज्य सरकारों को भी सूट करता है, ये केंद्र सरकारों को भी सूट करता है। अगर आप एक स्ट्रांग एक्ट बना के सीबीआई स्ट्रांग एक्ट उनकी स्वायत्तता दे दें उनको और शांतनु सेन जैसे प्रखर ऑफिसर उसमें होंगे, तो फिर तो ये जो ढुलमुल हो रहा है, जो सीबीआई क्या इस फुटबॉल की तरह किक मारी जा रही है बीजेपी से कांग्रेस के खेमे में, कांग्रेस से बीजेपी के खेमे में, चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को, सरकारों को इस स्थिति से ऊपर उभरना चाहिए, सीबीआई को मजबूत करना चाहिए, ऐसी जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको मजबूत करना चाहिए देश हित में। सीबीआई को कैसे मजबूत किया जाए इस तरफ तो सोचा नहीं जा रहा है, संघीय ढांचे को कमजोर करने की तरफ जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, क्या ये देश के लिए नुकसानदायक नहीं है? खालिद अब्दुल्ला जी, आपसे जवाब चाहती हूँ, तमाम महत्वपूर्ण बातें अनिल आनंद जी ने कही है, इसका जवाब चाहती हूँ। देखिए, सीबीआई को कमजोर करने वाले ये केंद्र सरकार के लोग तो खुद बैठे हुए हैं वहां पे, आपस में सीबीआई को लड़ा रहे हैं, आरबीआई को लड़ा रहे हैं, तो कहां से मजबूत होगी? अगर आप खुद चाहेंगे, खालिद अब्दुल्ला जी, सवाल ये है कि आप ही लोग बोलते हैं ना, आप ही लोग एक बिल लेकर के आते ना कि सीबीआई एक्ट बनाइए, जो नहीं है, आप लोग मजबूत करने की कोशिश, सीबीआई सीबीआई एक्ट बनाने के लिए कौन रोका? सीबीआई एक्ट बनाने के लिए आपको कौन रोका? केंद्र सरकार से मैं पूछूंगा, केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी मेजोरिटी है, आप अगर चाहें तो आज बन सकती है केंद्र, आपके साथ में मेजोरिटी है, आप सांसद पार्लियामेंट में आप मेजोरिटी लेके बैठे हुए, उसके अलावा भी आप बिल पास नहीं कर पाते, आपकी कमजोरी है, आपको चाहिए बिल बनाना, पार्लियामेंट में क्लियर करो। भ्रष्टाचार की बातें करने वाले भ्रष्टाचार आने से पहले अभी उनका भ्रष्टाचार कहां गया? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो नोटबंदी भ्रष्टाचार है, राफेल का डील है, जो केंद्र में सरकार है सरकार ने इनकम टैक्स, ईडी, सीवीसी, एसएफआईओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर कॉन्स्टिट्यूशनली जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने की कोशिश की है, और सीबीआई उसी का एक हिस्सा है, सीबीआई की सुपरिंटेंडेंस है वो सीवीसी पर है, एज पर डीपीईबी 1946 एक्ट उसकी सुपरिंटेंडेंस है वो सीवीसी के पास है, मगर आप कभी भी सीवीसी का नाम नहीं सुनेंगे क्योंकि उसका इस्तेमाल फिर सीबीआई को सुपरिंटेंडेंस किया जाता है। एक और चीज है, सीबीआई का एक्ट है वो ऐसा होना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों में इमेज सीबीआई की एफबीआई जैसी है, मगर क्या इस्तेमाल किया, किस तरह से बर्बाद किया, देखिए पूरा अमेरिका एफबीआई से डरता है। इस तरह का एक्ट बनाना चाहिए सारी सरकारों को मिल करके केंद्र सरकार के साथ, जिससे पूरा देश उस संस्था के ऊपर विश्वास करे, ना कि ये सीबीआई जिसमें एक के ऊपर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप है और दूसरे पर 3 करोड़ की रिश्वत का आरोप है, ये नंबर वन और नंबर टू है सीबीआई की, तो कौन विश्वास करेगा? पहल करेंगे आप लोग, पहल करेंगे बिल्कुल श्वेता जी, अगर इस तरह का मूव सरकार करेगी तो सब लोग साथ में आएंगे, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की देश को जरूरत है, फिर लोकपाल के अंदर भी ये एजेंसी की एक जरूरत है जो जांच करेगी और एक एक अपराधी को अलग करेगी। क्यों नहीं ले आते? लोकपाल तो आप ही का एजेंडा था, लोकपाल तो आप ही का एजेंडा था, उसी पर तो लोगों को गुमराह करके सरकार में आ गए ना, लेकिन फिर भी इसके बाद भी आप लोग हमारी रमेश श्रीवास्तव जी सरकार ने लोकपाल की बात करने वाले अन्ना हजारे जी का कंधे पर चढ़ गया, ये विषय नहीं है सर, ये तो सोचना पड़ेगा ना, कि आज रमेश श्रीवास्तव जी और इनके नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके यहाँ पर आए थे, टॉक टू एक के अंदर क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ अपॉइंटमेंट ऑफ सोनिया गांधी करना क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ निकुंज अग्रवाल, ये सारे जो केस भ्रष्टाचार के खिलाफ के अंदर रवि जी और अब्दुल्ला जी यहाँ पर काउंट नहीं करना है,
चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार देश का खत्म हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो 0% टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे काम कर रहे हैं। एक रुपए का भ्रष्टाचार मोदी जी के ऊपर नहीं लगा है, लेकिन जो खुद भ्रष्टाचार के अंदर आज यहाँ पर बैठ के साथी बैठे हुए हैं, अगर वाकई में आपकी बातों में दम है ना तो वो शांति के साथ भी साबित हो जाएगी। इसलिए एक दूसरे से चीख चीख की बातें मत करिए सर, प्लीज डिसेंसी मेंटेन करिए। शांतनु सेन जी, आप सभी की बातें सुन रहे होंगे, क्या लगता है कि इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के जरिए सीबीआई आरटीए बना पाएंगे? वाकई में एक जो ठोस पहल होनी चाहिए थी केंद्रीय एजेंसी को लेकर, वो ये लोग कर पाएंगे? शांतनु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप पूछिए सर। मैं जानना चाहती हूँ, अभी बहस को आप भी सुन रहे थे, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये लोग कुछ कर पाएंगे, कोई एक्ट बना पाएंगे देश में सेंट्रल एजेंसी को लेकर के, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लेकर कुछ कर पाएंगे? ये 1980 में बड़ी पहल हुई, तब कांग्रेस की फुल मेजोरिटी थी, सारे स्टेट्स भी ज्यादातर कांग्रेस के पास थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इजीली हो सकता था, सीबीआई एक्ट बन सकती थी, पर कोई स्टेट, यहाँ तक कि कांग्रेस की स्टेट भी नहीं चाहती है कि सीबीआई एक्ट बने और खुलेआम सीबीआई वहाँ इन्वेस्टिगेट करे। अभी तो बीजेपी का पूरा, अगर आज सहमति हो, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज केंद्र सरकार, अगर सहमति हो आज बीजेपी का और सहमति हो तो ये बन सकता है, और मुझे राज्य में अब्दुल्ला जी जरा शांत हो जाइए सर। सर आप एक सीनियर ऑफिसर की बातों को सुन रहे हैं सर, वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट नहीं करते सर। आपका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, इसलिए पहले शांति पूर्वक सुना करें किसी की बातों को। शांति जी बात पूरी करें, क्या सरकारों ने पहल की है। एक सीबीआई ऑफिसर रहे सर, अच्छी तरह चीजों को जानते हैं। जी शांतनु जी बताइए, आईना दिखाइए इन लोगों को। देखिए ये लोग, मैं नहीं समझता जे स्टेट में ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट पावर देंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपको पता है जे चिदंबरम साहब ने एनआईए बनाई, एनआईए सिर्फ टेररिज्म के केसेस करती है, और उसमें स्टेट ने विलिंगली पावर दिया है सेंटर को टेररिस्ट केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनके कोर्ट्स में, बिल्कुल उनके स्टेट्स में। तो एनआईए तो बन गई, सीबीआई जो टेररिस्ट केसेस करती थी, मैं खुद टेररिज्म में था, एंटी टेररिस्ट विंग में था, और मैंने टेररिज्म के केसेस किए और अच्छे किए, इसलिए एनआईए बन गई। पर एंटी करप्शन केस में मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है सर, और मैं पॉलिटिकल पार्टी से ही समझूंगी, सुरेंद्र राजपूत जी आपसे समझूंगी। फिलहाल मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और उसके बाद मैं जवाब लूंगी कि जब आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदारियों को ठीकरा ही फोड़ते रहेंगे और वाकई जो करने वाली चीजें उसको नजरअंदाज। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से सीबीआई पर विश्वास नहीं है स्टेट्स को, और इसीलिए बैन करने की बात की गई है। आंध्र प्रदेश में हो चुका है, पश्चिम बंगाल इस तर्ज पर बैन करने की बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को लेकर, जिसके लिए पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ है। मैं ब्रेक से पहले तमाम चीजें शांतनु सेन जी ने रखी थी, बड़ी महत्वपूर्ण थी। सुरेंद्र राजपूत जी क्लोजिंग कॉमेंट चुके, मुझे सबका लेना है, 30 सेकंड आपके पास है। उन्होंने कहा था आपके पास मौका था, बना लेते एक्ट।
हमारी अगर हमने इतिहास में पूर्ववर्ती समय पर कोई गलती की है तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार शिखंडी उन गलतियों को शिखंडी बनाकर उनके पीछे क्यों छुप रही है। आज की डेट में सच यह है कि लगभग 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इनके सहयोगियों की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, लोकसभा राज्यसभा सब जगह पर इनका वो है। तो आज अगर ये लोग कोई एक्ट लाएं तो हम सकारात्मक रवैया अपनाएंगे, निश्चित तौर पर अपनाएंगे। जो काम पहले नहीं हुआ वो आज क्यों नहीं हो रहा है, पिछले 4.5 साल में क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को भी जरा आपने भ्रष्टाचार का जो चोला ओढ़ रखा है ना, जो भ्रष्टाचार में आपकी पार्टी लिप्त है। भाई राफेल चोर हैं आप बस मैंने कहा ना हुजूर, छुपा लो आप राफेल चोर है। 30,000 करोड़ की चोरी चौकीदार ने की है और जब चौकीदार चोर होता है तो इसी तरीके की बातें करता है। सीबीआई को आप रोक रहे हैं, मैंने कहा ना इसीलिए चोर होता है। हमें कुछ भी करना पड़ा, करेंगे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कांग्रेस की चाहिए मुझे लगता है यहाँ पे लोग सीबीआई का मतलब ही नहीं समझ पा रहे कि क्या है। देखिए मैं इन इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, चाहता हूँ बताया कि ये लोग एक्ट बनाएंगे या नहीं छोड़ देना चाहिए। मेरी अपील है सब पॉलिटिकल पार्टी से कि मुझे लगता है आगे की तरफ देखना चाहिए और एक मौका भी है, दस्तूर भी है, चुनाव का माहौल है। जैसे जेटली जी आज एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे थे, राहुल गांधी वहां कैंपेन कर रहे हैं, तो क्यों ना वो ये अनाउंस कर देते कि मैनिफेस्टो में कि सीबीआई की स्वायत्तता के लिए हम जो भी होगा हम करेंगे। अब या लोकसभा का इलेक्शन है तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये रखे और एक अहद करे कि हम जैसे भी होगा अंडरस्टैंडिंग बना के इसके करेंगे ये कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, मैं आनंद जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है और सरकार ने 4.5 साल में सीबीआई को बिल्कुल नपुंसक बना के छोड़ दिया है। पार्लियामेंट में दी तो इनके तो सहयोगी दल भी साथ में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि पहल कौन करेगा, पहल तो केंद्र सरकार करेगी। पार्लियामेंट में बिल कौन लाएगा, केंद्र सरकार लाएगी। आप अगर पार्लियामेंट में बिल ही नहीं लाएंगे और मन की बातों को सिर्फ टेलीफोन में भाषण देने से तो नहीं चलेगा। भाषण देने से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहल कौन करेगी, पहल तो सीबीआई का अगर एक्ट लाना है तो पार्लियामेंट में लाएगा ना, पार्लियामेंट में किसकी किसकी मदद करेगा। उसको तो समझिए सर, उसको लिख रहा है तो बनाइए, इसके बाद बहस हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का एजेंडा जिसमें हमने क्लियरली ये चीज समझने की कोशिश की कि क्यों नहीं एक पहल होती है एक्ट बनाने के लिए और उस पर भी आज तक राजनीतिक पार्टियां सिर्फ उलझी ही नजर आती है, जितना फायदा जितना नुकसान उसी तरीके से काम भी।